डियर फ्रेंड्स नमस्कार। जो एहसास हृदय को खुशी से भर दे वही प्रेम है। जीवन में जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे उतने ही अधिक भाग्यशाली बनेंगे। चुनौतियाँ जीवन को दिलचस्प बनाती है और उन पर काबू पाने से जिंदगी संपूर्ण बनती है। जब आप अकेले में भी मुस्कुराने लगे तो समझ लें कि आप वाकई बहुत खुश हैं। सत्य हजार तरीके से बताया जाए फिर भी हर एक सत्य ही होगा, इसे स्वीकारना सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। लोकतंत्र में सत्ता का अहंकार तानाशाही को जन्म देता है। हिम्मत हारने वाले छोटे रास्ते खोजते हैं, मेहनती लोगों के लिए रास्ते खत्म नहीं होते। परिश्रम से प्राप्त धन ही दान योग्य होता है और ऐसे ही दान का फल मिलता है। सफलता दिन रात दोहराए जाने वाले आपके छोटे छोटे प्रयासों का गठजोड़ है। कामयाबी के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। आप कामयाब होंगे तब लोग आपके पीछे आएंगे। जीतने का मतलब अव्वल आना नहीं होता, इसका मतलब है कि आप पहले से बेहतर कर रहे हैं। मदद के लिए सिर्फ धन की नहीं अच्छे मन की भी जरूरत होती है। देने के लिए दान, लेने के लिए ज्ञान और त्यागने के लिए अभिमान सर्वश्रेष्ठ है। जीवन में त्याग आसान नहीं है, एक सांस लेने के लिए भी पहली सांस छोड़नी पड़ती है। अगली सदी में लीडर वे होंगे जो खुद को नहीं दूसरों को सशक्त बना सके। दुनिया की सर्वश्रेष्ठ किताब हम खुद है, खुद को समझ लें तो कोई परेशानी नहीं आएगी। आप अगर ऐसा सोचते हैं कि सब कुछ अच्छा होगा तो जरूर ऐसा ही होगा। अगर वक्त बुरा है तो मेहनत करें, अच्छा है तो संयम बरतें। अपनी कोशिशों को जारी रखें, लक्ष्य भी हासिल होगा और अनुभव भी मिलता रहेगा। चुनौतियाँ बड़ी है तो छलांग भी बड़ी ही लगानी होगी। अनुशासन प्राथमिकताओं का अभ्यास है। आप जरूरत पर ध्यान केंद्रित करते हैं और छोटी चीजें छोड़ देते हैं। कभी हार मत मानो, हमेशा अगला मौका जरूर मिलता है। शिक्षा की जड़ें तो कड़वी है लेकिन इनका फल मीठा होता है। आसान होने से पहले सभी चीजें मुश्किल होती है। भविष्य बनाने के लिए सपने देखने और मेहनत करने से बेहतर कुछ नहीं। इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है, यहाँ तक कि हमारी समस्याएं भी नहीं। कल के लिए हमारी सबसे अच्छी तैयारी यही है कि आज सबसे अच्छा करें। आग में सोने की परत होती है और मुश्किल समय में इंसान की। फूल यूं ही नहीं खिलते, बीज को दफन होना पड़ता है। मातृभाषा, मातृभूमि व माँ का कोई विकल्प नहीं। दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं और आप अपने बारे में क्या विचार रखते हैं ज्यादा अहम बात है। जीवन में सिर्फ जीना मायने नहीं रखता बल्कि सच्चाई के साथ जीना मायने रखता है। लक्ष्य के आधे रास्ते से वापस लौटने पर भी आधा रास्ता तय करना पड़ता है। ईश्वर चित्र में नहीं चरित्र में बसता है, अपनी आत्मा को मंदिर बनाओ। एकांत में भी गुनाह करने से बचो क्योंकि इसका गवाह स्वयं ईश्वर होता है। वो हाथ सदा पवित्र होते हैं जो प्रार्थना से ज्यादा सेवा के लिए उठते हैं। मोहन एक साधना है किंतु सोच समझकर बोलना एक कला है। अज्ञानी होना उतनी शर्म की बात नहीं है जितना कि सीखने की इच्छा ना करना। अपने आचरण से ही दूसरों को प्रभावशाली शिक्षा दी जा सकती है। धन
तभी सार्थक है जब धर्म भी साथ हो। जिसके पास धैर्य है वह जो चाहे वह पा सकता है। यदि आप दृढ़ संकल्प और पूर्णता के साथ काम करेंगे तो सफलता निश्चित है। मनुष्य की सबसे बड़ी शिक्षक उसकी गलतियां होती है। कर्म वो आईना है जो हमारा स्वरूप हमें दिखा देता है। विशिष्टता तभी सार्थक है जब शिष्टता भी साथ हो। ज्ञानी होना तभी सार्थक है जब सरलता भी साथ हो। संपत्ति तभी सार्थक है जब स्वास्थ्य से अच्छा हो। बुद्धिमत्ता तभी सार्थक है जब विवेक भी साथ हो। मंदिर जाना तभी सार्थक है जब हृदय में भाव हो। अच्छा व्यापार तभी सार्थक है जब व्यवहार भी अच्छा हो। परिवार का होना तभी सार्थक है जब उसमें प्यार और आदर हो। सफलता का महल कर्म की नींव पर खड़ा होता है। मेहनत वह सुनहरी चाबी है जो बंद भविष्य के दरवाजे भी खोल देती है। एक अच्छे चरित्र का निर्माण हजारों बार ठोकर खाने के बाद ही होता है। अपना सर्वश्रेष्ठ देना केवल इसलिए बंद ना करें कि आपको उसका श्रेय नहीं मिलता। मार्गदर्शन सही हो तो दिए का प्रकाश भी सूरज का काम कर जाता है। दूसरों की सोच से अधिक कर दिखाना ही आपकी असली सफलता है। अगर आप किसी का अपमान कर रहे हैं तो वास्तव में आप अपना सम्मान खो रहे हैं। चित्र नहीं चरित्र की पूजा करें, व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व की पूजा करें। मेरा लक्ष्य दूसरों से बेहतर होना नहीं बल्कि मैं अभी जो हूँ उससे बेहतर होना है। बाहर की चुनौतियों से नहीं, हम अपने अंदर की कमजोरियों से हारते हैं। ईमानदारी महंगा तोहफा है, इसकी सस्ती लोगों से अपेक्षा ना करें। विश्वास वह शक्ति है जिसमें उजड़ी हुई दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है। प्रभाव बेहतर होने से अच्छा है स्वभाव बेहतर होना। बड़प्पन वह गुण है जो ऊपर से नहीं संस्कारों से प्राप्त होता है। आप अपने काम की जिम्मेदारी लेने को जितनी तैयार रहते हैं उतनी ही विश्वसनीय बनते हैं। तूफान में कश्तियाँ और अभिमान में हस्तियाँ मिट जाती है। समस्या का अंतिम हल माफी ही है, कर दो या मांग लो। सच के साथ चलिए, एक दिन वक्त आपके साथ चलेगा। परस्पर आदान प्रदान के बिना समाज में जीवन का निर्वाह संभव नहीं है। एक विश्वास की प्रार्थना अंधकार की सारे बंधन तोड़ने का सामर्थ्य रखती है। मन की शक्ति और ऊर्जा ही सही जीवन का सार है। लक्ष्य तक पहुंचने का आसान और श्रेष्ठ रास्ता समीक्षा दूसरों के बजाय स्वयं कीजिए। छोटी सोच शंका को जन्म देती है और बड़ी सोच समाधान को। परिस्थिति की पाठशाला ही इंसान को वास्तविक शिक्षा देती है। भाग्य तभी साथ देता है जब मेहनत और लगन का सहारा हो। जिसके पास उम्मीद है वह हार कर भी नहीं हारता। बिना उत्साह के कभी किसी उच्च लक्ष्य की प्राप्त नहीं होती। समझनी है जिंदगी तो पीछे देखो, जीनी है जिंदगी तो आगे देखो। जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है उनके पीछे एक दिन काफिला होता है। उस सुख का त्याग कर देना चाहिए जो किसी के दुख का कारण बनता हो। दो चीजों को कभी व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए, अन्न के कण और आनंद के क्षण। त्रुटियों से जो अनुभव मिलता है वह सफलता की ओर ले जाता है। जीवन न तो भविष्य में है न अतीत में, जीवन तो इस पल में है। अच्छे या बुरे शब्दों का उपयोग सुनने वाले की विचार एवं योग्यता पर निर्भर करता है।
स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतुष्टि सबसे बड़ी संपत्ति है और वफादारी सबसे उत्तम रिश्ता है। श्रद्धा ज्ञान देती है, नम्रता मान देती है और योग्यता स्थान देती है। जीवन में लक्ष्य पूरा करने से मुश्किल है, उस लक्ष्य पर बने रहना, सकारात्मक बने रहना जरूरी है, क्योंकि सफलता इसी से ही मिलती है। कलम कसम और कदम हमेशा सोच समझ कर ही उठाना चाहिए। अनुभव उम्र से नहीं, परिस्थितियों का सामना करने से आता है। कठोर परिश्रम कभी भी विफल नहीं होता। अवसर की प्रतीक्षा में मत बैठो, आज का अवसर ही सर्वोत्तम है। जिस समय हम किसी का अपमान करते हैं, उसी समय हम अपना सम्मान खो देते हैं। सभी परिस्थितियों में संतुलन बनाए रखना ही प्रसन्नता की चाबी है। संघर्ष कभी समाप्त नहीं होता, इंतजार मत कीजिए, समय कभी नहीं आता। जीवन में एक दूसरे को समझने का प्रयत्न करिए, परखने का नहीं। सुंदरता मन को आकर्षित करती है, प्रभाव हृदय को आकर्षित करता है। धैर्य ही है जो जिंदगी की किताब के हर पन्ने को बांध कर रखता है। समय की एक बहुत अच्छी बात है, जैसा भी हो गुजर जाता है। शिक्षा में सबसे ज्यादा ताकत होती है, जिससे पूरी दुनिया को बदला जा सकता है। धैर्य रखें, सही समय आने पर आपके पास वो सब कुछ आएगा जिसके लिए आपने मेहनत की है। ज्ञान कर्म एवं भक्ति, इन तीनों का संगम ही जीवन का तीर्थराज है। यदि आप दृढ़ संकल्प और पूर्णता के साथ काम करेंगे तो सफलता निश्चित है। सब अपने धर्म का पालन करें तो कोई दुखी नहीं रहेगा। श्रद्धा का अर्थ है आत्मविश्वास, और आत्मविश्वास का अर्थ है ईश्वर में विश्वास। मातृभाषा, मातृभूमि व माँ का कोई विकल्प नहीं। असंभव शब्द मूर्खों के शब्द कोश में होता है। भगवान प्रेम के भूखे हैं, पूजा के नहीं। असफलता का अर्थ उचित प्रयास नहीं किया गया। आत्मविश्वास सफलता का मुख्य रहस्य है। अपनी बुराई को अपने पहले ही मर जाने दो। विद्या और धीरे धीरे उम्र बढ़ने से स्थिर रहें। ज्ञान से बढ़कर दूसरी संपत्ति नहीं। संघर्ष प्रकृति की काल चक्र का पहिया है। विचार ही मनुष्य की मुख्य प्रेरणा शक्ति है। अच्छे विचार मनुष्य को सफलता और जीवन देते हैं। स्वच्छता और श्रम मनुष्य के सर्वोत्तम वैद्य है। मेहनत मंजिल की मूलाधार है। भाग्य पर नहीं, चरित्र पर निर्भर रहो। बालक समस्त समाज का संपदा है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, श्रद्धावान लब्धे ज्ञानम्, लोभः पापस्य कारणम्। गुण से रूप की शोभा होती है। जब कहीं भी कुछ समझ ना आए, तब शांत बैठकर खुद को समझ लेना चाहिए। ऊंचा उठना है तो अंदर से अहंकार निकालकर खुद को हल्का कीजिए, क्योंकि ऊंचा वही उठता है जो हल्का होता है। आँखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए मौसम नहीं, मन चाहिए। हर राह आसान हो जाएगी, बस उसे करने के लिए दृढ़ संकल्प चाहिए। अपनत्व एक ऐसा उपहार है, जिसे देने से बेजुबान भी झुक जाते हैं। मंजिल पाने की उम्मीद कभी मत छोड़िए, क्योंकि सूरज डूबने के बाद ही दोबारा सवेरा होता है। अगर एक हारा हुआ इंसान हारने के बाद भी मुस्कुरा दे, तो जीतने वाला भी जीत की खुशी खो देता है। ये है मुस्कान की ताकत। समय गुंगा नहीं, बस मौन है। समय आने पर बता देता है किसका कौन है। जितना कम दुनिया से वास्ता होगा, उतना आसान जिंदगी का रास्ता होगा। भाग्य बदल जाता है जब इरादे मजबूत हो, वरना जीवन बीत जाता है किस्मत को दोष देने में। ना दुआ से बढ़कर कोई अल्फाज है, ना मुस्कुराहट से बेहतर कोई इलाज।
पिता के द्वारा डांटा हुआ पुत्र, गुरु के द्वारा डांटा हुआ शिष्य और सोनार के द्वारा पीटा गया सोना, ये हमेशा आभूषण ही बनते हैं। भाग्य, स्वभाव, रुपये ही वे तीन चीजें हैं जो हम सबकी अलग अलग होती है। एक सपने के टूटने के बाद दूसरा सपना देखने के हौसले को ही जिंदगी कहते हैं। शक्ति चाहिए तो ज्ञान हासिल करिए, और सम्मान चाहिए तो चरित्र अच्छा रखिए। दिमाग ठंडा हो तो फैसले गलत नहीं होते, और भाषा मीठी हो तो अपने दूर नहीं होते। शिक्षा अगर बर्ताव में न दिखे तो डिग्री एक कागज का टुकड़ा है। जीवन में जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे उतने ही अधिक भाग्यशाली बनेंगे। वेदांत हमारा स्वाभिमान, शिष्टता हमारी सीता है, हर शब्द हमारा मूल मंत्र, हर सांस हमारी गीता है। मन की सोच सुंदर हो तो सारा संसार सुंदर है। सुंदरता की कमी को अच्छा स्वभाव पूरा कर सकता है, लेकिन स्वभाव की कमी को सुंदरता से पूरा नहीं किया जा सकता। जिंदगी की जंग हो या युद्ध का मैदान हो, हर जगह जो काम आए वो गीता का ज्ञान है। निर्भय वही है जो सत्य की शरण में है, जो असत्य का सहारा लेता है वह हमेशा भय में रहता है। अपने विश्वासों पर अडिग रहिए, आप दुनिया बदल सकते हैं। जिंदगी में रिस्क लेने से कभी भी मत डरो, क्योंकि या तो हार मिलेगी या सीख मिलेगी, और एक दिन जीत तो हर हाल में मिलेगी। सफलता का रास्ता कांटों भरा होता है, चीटिंग वाले रास्ते खाई में गिराते हैं, मंजिल में नहीं पहुंचाते। समय और धैर्य वह दो हीरे मोती है, जिनके बल पर व्यक्ति मुश्किल से मुश्किल लक्ष्य हासिल कर सकता है। बुराई बड़ी हो या छोटी हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा नाव को डुबो ही देता है। मौका कभी खत्म नहीं होता, प्रायः वह तैयार, तत्पर एवं उत्सुक लोगों की झोली में चला जाता है। अपनी परेशानियों से भागना एक ऐसी रेस है जो आप कभी जीत नहीं सकते। सामना करो उन मुश्किलों का जो राह में आई है, क्योंकि यही तुम्हें तुम्हारी मंजिल का पता भी बताएगी। परिंदा जब उड़ने की ठान ले तो हवाओं को रास्ता देना ही पड़ता है। जिद, गुस्सा, गलती, लालच और अपमान खर्राटों की तरह होते हैं, जो दूसरा करे तो चुभते हैं, परंतु स्वयं करे तो एहसास तक नहीं होता। वक्त को समझना समझदारी है, और वक्त पर समझना जिम्मेदारी है। सफलता पाने के लिए विचारों की आज़ादी के साथ संस्कारों की ताकत भी जरूरी होती है। जब विचार, प्रार्थना और इरादा सब सकारात्मक हो तो जिंदगी अपने आप सकारात्मक हो जाती है। मंजिल पाने की उम्मीद कभी मत छोड़िए, क्योंकि सूरज डूबने के बाद ही दोबारा सवेरा होता है। खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। शक्ति चाहिए तो ज्ञान हासिल करिए, और सम्मान चाहिए तो चरित्र अच्छा कीजिए। हम उनसे तो लड़ सकते हैं जो खुले आम दुश्मनी करते हैं, लेकिन उनका क्या करें जो मुस्कुरा के छल करते हैं। आलस्य से बढ़कर अधिक घातक और अधिक समीपवर्ती शत्रु कोई और नहीं। जो आने वाला है वह हमेशा गुजरे कल से बेहतर होगा, यह सोच आपको कभी निराश नहीं होने देगी। डियर फ्रेंड्स, जय हिंद।